हेलो दोस्तों, मैं निखिल आपका स्वागत करता हूं अपने नए चैनल टेक्निकल निक्स पे और लेके आया हूं आपके लिए कुछ कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टेक न्यूज़ की बात करें तो नोकिया ने अपना नया फ़ोन नोकिया X6 अनवील कर दिया है, जो 5.8 इंच के साथ और नॉच के साथ आएगा। साथ में ड्यूल रियर कैमरे भी होंगे। दूसरी टेक न्यूज़ की बात करें तो जियो ने अपने 186 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं और इसके साथ जियो टॉप पे आ गया, जो काफ़ी कमाल की बात है। शायद आपको कुछ और नया मिले जियो के तरफ से। अगले न्यूज़ की बात करें तो व्हाट्सएप के बीटा यूजर्स को नया अपडेट आया है, जिससे वो अपने पूरे डाटा को कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगले न्यूज़ की बात करें तो विंडोज़ 10 यूजर्स को ये काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि उनके लिए उनका नया अपडेट मई के महीने में आने वाली है। अगले न्यूज़ की बात करें तो ये काफ़ी कमाल की न्यूज़ है। गूगल असिस्टेंट ने फिर बाजी मार ली है और वह टॉप पर आ गया, जो काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी तेज है, और इसने अलेक्सा और सीरी को भी पीछे छोड़ दिया है। अगले न्यूज़ की बात करें तो फेसबुक ने कहा है कि वो मैसेंजर किट्स में एक अपडेट लाने वाले हैं, जिससे पेरेंट्स एक टाइम सेट कर सके जो नाइट मोड की तरह होगा, और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा ताकि बच्चे ज़्यादा देर तक मैसेंजर का यूज ना करें। और एक और कमाल की न्यूज़ है, अमेजन अब और इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला है ताकि वो अपनी शक्ति को और बढ़ा सके और फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को और भी पीछे छोड़ सके। अगले न्यूज़ की बात करें तो CSK और RCB के पिछले मैच में हॉटस्टार ने रिकॉर्ड तोड़ दिए और 6.8 मिलियन लाइव का रिकॉर्ड बना दिया है। ये धोनी और विराट कोहली के फैन फॉलोइंग का अगले न्यूज़ की बात करें तो स्नैपचैट ने अपना नया सेकेंड जनरेशन वाला सनग्लासेस लॉन्च कर दिया है, जिससे आप आसानी से फोटो भी खींच सकते हैं, तो ये काफ़ी कमाल की बात है। अगले न्यूज़ की बात करें तो वोडाफोन ने अपना नया 569 और 511 रुपये का लॉन्च कर दिया है, जिसमें 3 GB डेटा और 2 GB डेटा डेली का मिलेगा। एप्पल के आईफोन SE 2 का नया इमेज लीक हो गया है और हो सके तो ये जून के महीने में लॉन्च हो सकता है। ओप्पो ने अपना नया फ़ोन OPPO A3 लॉन्च, जो होंगे 6.2 इंच के और साथ में होंगे 90:9 रेशियो वाले डिस्प्ले, और पीछे होगा एक सिंगल कैमरा जो होगा 16 मेगापिक्सल, और एकदम 2 कॉपी नॉच होगा आईफोन की तरह, तो नॉच के पीछे सब भाग रहे हैं, और जिसकी प्राइस होगी 22,000 इंडियन रुपीज में। सबसे बुरी बात, ओप्पो फिर भी अभी भी MediaTek के प्रोसेसर के साथ जा रहे हैं। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो 8.1 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा, और iPhone 2018 वेरियंट जो लॉन्च होगा वो LCD डिस्प्ले के साथ लॉन्च होगा, जिसमें आप इस बार 3D टच का मज़ा नहीं ले पाएंगे, जो काफ़ी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 3D टच का अपना ही मज़ा था।